नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिब। यूट्यूब चैनल टेकिक वीक से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज है हमारे पास लिनोवो का K8 नोट, और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका चार्जिंग स्पीड टाइम टेस्ट करो। आप देखना चाहते हैं कि इसकी जो 4000 mAh की बैटरी है जो कि लिनोवो की तरफ से ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, वो कितना टाइम लेती है चार्ज करने को। तो आज इस वीडियो में हम इसके चार्जिंग स्पीड टाइम टेस्ट और इसकी हीटिंग कितनी होती है वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं कि ये जो चार्जर आता है बॉक्स में, ये फास्ट चार्जर है। ये 15 वॉट का फास्ट चार्जर है। अभी मैंने जो लिनोवो K8 नोट को पूरी तरह से बैटरी ख़त्म नहीं किया, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन थी कि लिनोवो K8 नोट में कुछ बैटरी रहने दो, तो मैंने अभी के लिए इस डिवाइस में 1% बैटरी रहने दी। आप देख सकते हैं कि नीचे टर्बो पावर कनेक्टेड इसने दिखा दिया है, और मैं अभी टाइमर भी दूसरे मोबाइल पर स्टार्ट कर दूंगा। और अगर मैं आपको अभी के लिए बैटरी परसेंटेज दिखाऊं तो 1% है, और कमरे का एम्बिएंट टेम्परेचर अराउंड 35 है। तो देखना होगा कि कितनी तेज़ी से ये चार्ज करता है। और दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करूंगा अगर आप इस वीडियो को एक लाइक दबा दें, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो अभी हम मिलेंगे 5 मिनट के बाद। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी 5 मिनट हो गए हैं जब से ये K8 नोट चार्ज हो रहा है, और अगर मैं बैटरी परसेंटेज की बात करूं तो 5 मिनट में 5% है, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया, क्योंकि इसमें 4000 mAh की बैटरी है। उसके बाद अभी 6% बैटरी हो गई। टेम्परेचर की बात करूं इस डिवाइस के, तो आप देख सकते हैं 37 के अराउंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से नॉर्मल है, क्योंकि 34 तो एम्बिएंट टेम्परेचर है मेरे रूम का। अभी 5 मिनट के बाद 6% है, अभी हम देखेंगे 15 मिनट के बाद। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी 15 मिनट हो गए हैं जब से ये लिनोवो K8 नोट चार्ज हो रहा है, और अगर आपको मैं बैटरी परसेंटेज दिखाऊं तो 15% ये चार्ज हुआ है तकरीबन 15 मिनट में, जो कि कंसीडर करते हुए इसकी 4000 mAh बैटरी है काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद टेम्परेचर्स की बात करूँ तो अभी बैक जो है वार्म हो गई है, अराउंड 40 डिग्री है, 40, 41, 42 तक नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो थोड़ा सा ओवरहीट होगा, ये तो 40 तक है अभी, जो कि अच्छी चीज़ है। अभी हम मिलेंगे आधे घंटे के बाद। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी 30 मिनट हो गए हैं जब से ये K8 नोट चार्ज कर रहा है। अच्छी बात यह है इसके आगे की तरफ हमें LED लाइट देखने को मिलती है, और अगर हम बैटरी परसेंटेज की बात करें 30 मिनट के बाद, तो 30 मिनट में 30% ये चार्ज होगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी स्पीड है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ बैक पर, तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 38 है अभी भी, जो कि मेरे ओपिनियन से ठीक है। आप देख सकते हैं कि अराउंड 38 था, और फ्रंट पर भी अराउंड 38 ही है, तो ज़्यादा हीटिंग नहीं हो रही है। 30 मिनट में 30% काफ़ी बढ़िया। अभी हम मिलेंगे 1 घंटे के बाद। दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि 1 घंटे से लिनोवो K8 नोट चार्ज हो रहा है, ऊपर की तरफ LED लाइट जल रही है, जो कि बढ़िया चीज़ है। और अगर मैं आपको चार्जिंग परसेंटेज दिखाऊँ तो 1 घंटे में 59%, जो कि बहुत अच्छा है। और हीटिंग भी मेरे इनिशियल इंप्रेशन से ज़्यादा नहीं हो रही है, अराउंड 38-39 है, जो कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। और इसका जो अडेप्टर है वो भी अराउंड 38 ही है। अभी हम आधा घंटा और डालेंगे और मिलेंगे 1.5 घंटे के बाद। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तकरीबन 90 मिनट से ये K8 नोट चार्ज हो रहा है। बैटरी परसेंटेज की बात करूँ तो अराउंड 84% है, 4000 mAh की बैटरी को कंसिडर करते हुए बहुत अच्छा है। और अभी जो हीटिंग काफ़ी नॉर्मल हो गई, 80% के बाद अराउंड 36 है, क्योंकि 80% के बाद चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाती है, और आगे की तरफ भी 36 है। अभी हम आएंगे 2 घंटे के बाद, और या फिर जब ये डिवाइस पूरा चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो है 2 घंटा 10-11 मिनट हो गया इसे चार्ज होते हुए। अगर मैं आपको बैटरी परसेंटेज दिखाऊं तो अराउंड 98% है, ये तकरीबन 95% तक 2 घंटे में ही आ गया था, पर 80% के बाद चार्जिंग स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। और अगर मैं टेम्परेचर्स की भी बात करूँ तो आपके सामने अराउंड 37 से ज़्यादा ये गया नहीं है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और फ्रंट साइड भी अराउंड 36 ही है। दोस्तों मैंने एक और ऑब्जर्वेशन किया है कि अगर आपके रूम का टेम्परेचर, जैसे कि मेरे रूम का टेम्परेचर अभी 34 के अराउंड है, तो अगर आपके रूम टेम्परेचर इससे ज़्यादा रहेगा तो चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि गर्मी के कारण प्रोसेसर को भी थ्रोटलिंग करना पड़ सकता है। पर अगर आप AC में चार्ज करेंगे तो और थोड़ी ज़्यादा आपको स्पीड मिल जाएगी, पर ये काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड है। मैं कहूँगा 4000 mAh बैटरी को कंसिडर करते हुए स्पीड जो है काफ़ी बढ़िया है, और हीटिंग भी नहीं हुई, जो अच्छी बात है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने इस डिवाइस को परचेज करना है तो हमारे लिंक से परचेज कर लो यार, चैनल की हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में यार मेंशन कर दो। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नेवर मिस द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम टेकी ट्वीक्स, जस्ट स्टे सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड अनेबल द नोटिफिकेशन बेल ऑन योर डेस्कटॉप एज वेल एज ऑन योर मोबाइल फोन।